हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत ही कॉमन सवाल है कि कई महिलाएं पूछती हैं कि मुझे महीना कम क्यों आता है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर कम और ज़्यादा क्या है, या नॉर्मल महीना आना किसको बोलते हैं। तो नॉर्मल महीना आने की डेफिनेशन अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कम या ज़्यादा है या नॉर्मल है। तो नॉर्मल महीना आने की जो डेफिनेशन है उसे ये बोला जाता है कि अगर आपका पीरियड 2 दिन से लेकर 5 दिन तक या 7 दिन तक आता है, 2 से 7 दिन तक पीरियड आता है तो नॉर्मल माना जाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको पूरे दिन भर में एक पैड जितनी ब्लीडिंग होती है वो भी सफिशियंट है, या आधे पैड की ब्लीडिंग होती है तो वो भी नॉर्मल ही मानी जाती है। तीसरा नॉर्मल का क्राइटेरिया है कि अगर आपको महीना 21 दिन से 35 दिन के बीच में आ रहा है तो भी नॉर्मल माना जाता है। तो अब आपको ये लगता है कि आखिर महीना कम या ज़्यादा, यानी कि स्केंटी मेंसेस किसे कहेंगे, यानी कि अगर आपको एक ही दिन केवल ब्लीडिंग हो रही है और वो भी केवल ड्रॉप्स आ रही हैं और एक पैड भी पूरा ख़राब नहीं हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि आपको महीना कम आ रहा होगा। अब महीना कम आने का क्या कारण हो सकता है? महीना कम आने का जनरली एज के अकॉर्डिंग कारण होते हैं, यानी कि अगर जैसे मान लो कि अभी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है तो जनरली पीरियड इरेगुलर होते हैं, तो कई बार पीरियड कम आते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा आते हैं, कई बार 3 महीने तक नहीं आते तो कई बार 15 दिन में आ जाते हैं। तो इसलिए प्यूबर्टी के आसपास के, यानी कि टीन एज के अंदर हम ये मानते हैं कि पीरियड बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं होते हैं। तो उस समय अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो एक सोनोग्राफी कराकर आप कोई भी मोटे तौर पर जो बीमारी होती है उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। दूसरा कि अगर मान लो आफ्टर मैरिज या फिर बीच में किसी और किसी कारणवश, जैसे कि डिलीवरी के बाद आपको महीना कम आ रहा है, यानी कि अगर आप जैसे बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो महीना कम आएगा क्योंकि उस टाइम पर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, इस कारण या तो महीना कम आता है या आता ही नहीं है, जिसे कि लैक्टेशनल अमेनोरिया कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगर आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं तो भी महीना आना धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी कि पहले 1 महीने का जो महीना है वो 1.5 महीने में आ रहा है, या 2 महीने में आ रहा है, या 3 महीने में आ रहा है। फिर उसके बाद में पीरियड का ड्यूरेशन भी कम होता जाता है, यानी कि आपका 3 से 5 दिन तक जो नॉर्मल महीना आता था, हो सकता है कि 2 दिन ही आए या 1 ही दिन आए या स्पॉटिंग आके रह जाए। तो इस तरीके से एज के अकॉर्डिंग पीरियड का कम या ज़्यादा होना भी डिसाइड किया जाता है, और आपके क्या स्टेज चल रही है, आपका अभी कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम बीमारियों की अगर बात करते हैं जिसमें कि महीना आना कम हो सकता है, तो ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो बच्चेदानी को अंदर से डैमेज कर देती है, जिससे कि महीना आना बहुत कम हो जाता है या फिर धब्बे आते या महीना आता ही नहीं है। दूसरी कॉमन बीमारी हो सकती है कि आपका बहुत बार, कई बार DNC आपने कराई हो जिससे कि अंदर की जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो डैमेज हो गई हो, जिसकी वजह से भी आपको महीना आना कम हो गया हो या बंद हो जाता है। या कई बार बच्चेदानी में ऐसी और कोई समस्या हो जाती है जिससे कि अंदर की लेयर की थिकनेस बहुत कम हो गई जिसकी वजह से महीना आना बंद हो जाता है, कोई हार्मोन की ऐसी टेबलेट आपको चल रही हो जिसकी वजह से तकलीफ हो रही हो। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए कि भाई नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, कोई बीमारी तो नहीं है, तो जनरली एक सोनोग्राफी आप करा लेते हैं तो उससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि अंदर के लेयर का कोई डैमेज तो नहीं है, यूट्राइन एडिजंस तो नहीं बन गए हैं, या फिर बच्चेदानी के अंदर कोई पर्दा या गांठ तो नहीं है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सोनोग्राफी अगर आपकी नॉर्मल आती है तो थायराइड हार्मोन का टेस्ट और एक सीरम प्रोलैक्टिन का टेस्ट, ये 2 हार्मोन के ऐसे टेस्ट हैं जिनसे कि ये क्लियर हो जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। और इन सब के नॉर्मल आने के बावजूद अगर आपका महीना कम आ रहा है तो फिर हमें ईस्ट्रोजन, FSH और LH टेस्ट भी कराना होता है, जिससे ये पता चलता है कि ओवरी आपकी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि अगर ओवरी आपकी सही काम नहीं कर रही होती है तो भी महीना टाइम पे और सही तरीके से नहीं आता, यानी काफ़ी कम हो सकता है। तो 2-3 चीज़ों से ही आप क्लियर कर सकते हैं, अपना दिमाग का टेंशन दूर कर सकते हैं कि महीना कम क्यों आ रहा है, सोनोग्राफी कराकर और कुछ हार्मोन टेस्ट कराकर, जो कि कॉमनली TSH थायराइड हार्मोन टेस्ट है और प्रोलैक्टिन है, और इसके अलावा FSH, LH और सीरम ईस्ट्रोजन का टेस्ट है। इन सब चीज़ों से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें महीना कम क्यों आ रहा है।
और अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अंदर से बच्चेदानी अगर चिपकी हुई है, तो उसका दूरबीन से इलाज संभव है, यानी कि हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा यूट्राइन एडिशंस को दूर किया जा सकता है, यूट्राइन कैविटी को चेक किया जा सकता है हिस्ट्रोस्कोप डालकर, उसके अंदर अगर कोई पर्दा है या और कोई बीमारी है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और अगर अंदर लगता है कि डैमेज्ड है तो अंदर से सैंपल भी लिया जा सकता है एंडोमेट्रियम का, जिसके अपन ट्यूबरक्लोसिस का यानी टीबी का टेस्ट करवा सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट कराने के लिए महीने का जो ब्लड है उसको भी भेजा जा सकता है, जिससे भी पता चल जाता है कि बच्चेदानी के अंदर कोई टीबी तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चियों में ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो गया और वो बच्चेदानी अंदर से डैमेज हो गई और उनको महीना आना शुरू ही नहीं हुआ, या शुरुआत में उनको केवल धब्बे आ रहे हैं या स्पॉटिंग हो रही है या बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो ये टेस्ट करा लेने से हमें एक क्लियर हो जाता है कि कहीं बच्चे को या अपनी लेडीज़ को जिनको प्रॉब्लम है तो कोई ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी तो नहीं है। तो इस तरीके से अब आपको क्लियर हो गया होगा आपका माइंड में कि अगर आपको 2 से 7 दिन तक महीना आता है तो नॉर्मल है, और अगर लेकिन ब्लीडिंग 1 दिन की हो रही है, काफ़ी कम हो रही है, तो उसको स्क्वेंटीमेंसिस बोला जा सकता है, और कुछ हार्मोन टेस्ट और सोनोग्राफी से क्लियर किया जा सकता है, दूरबीन जाँच से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट ब्लड टेस्ट से हो जाता है, नहीं तो महीने का जो शुरुआती पहला ब्लड आता है उससे भी किया जा सकता है, और जो भी बीमारी निकलती है उसका इलाज संभव है। इसलिए जो भी अगर आपको समस्या है तो अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट ले सकती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।